एक्सरसाइज 8.2 मिड पॉइंट थ्योरम इन ट्राइंगल एबीसी डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी इफ डी एंड ई आर मिड पॉइंट ऑफ एबी एंड एसी एंड देन ज्वाइन डी और डी को हम मिला देंगे अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम अगर डी और ई मिड पॉइंट है तो डी ई बी सी के पैरेलल होगा और डी ई इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट विल पैरेलल टू थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल एंड दिस लाइन विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ द थर्ड साइड मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन थर्ड साइड बी सी के पैरेलल होगी डी ई पैरेलल बी सी अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम और लेंथ में डी ई बी सी का हाफ होगा यह है मिड पॉइंट थ्योरम फॉर एग्जाम्पल सपोज बी सी 8 सेंटीमीटर है तो डी ई कैसे फाइंड करोगे फाइंड डी तो बिकॉज डी एंड ई आर मिड पॉइंट अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम डी ई जो है बी सी का हाफ होगा डी इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी और बी सी है 8 सेंटीमीटर तो डी इज इक्वल टू 1/2 × 8 तो D इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर इफ एंगल B 60 डिग्री का हो देन फाइंड एंगल ए डी ई तो एंगल ए डी ई कैसे फाइंड करो तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट पैरेलल टू थर्ड साइड मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होती है डी बी सी के पैरेलल तो ये दोनों एंगल एंगल ए डी ई एंड एंगल बी कैसे हो गए अल्टरनेट एंगल है बिकॉज लाइन्स आर पैरेलल तो अल्टरनेट एंगल्स विल बी इक्वल अल्टरनेट एंगल ए डी ई इक्वल टू एंगल बी रीजन अल्टरनेट एंगल बट एंगल बी 60 का है तो एंगल ए डी ई बी कितने का होगा 60 डिग्री सेकेंड पार्ट इफ डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर सपोज डी 4 सेंटीमीटर है और हमको बी सी फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम बिकॉज डी एंड ई आर मिड पॉइंट तो डी ई पैरेलल टू बी सी एंड डी इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी एंड डी 4 सेंटीमीटर है इक्वल टू हाफ बी सी 1/2 लेफ्ट से राइट से लेफ्ट में आ जाएगा 4 × 2/1 हो जाएगा 4 × 2 बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा 8 सेंटीमीटर थर्ड एग्जाम्पल सपोज इफ बी सी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर और डी हमको फाइंड करना हो और डी और ई मिड पॉइंट है तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी डी इज इक्वल टू हाफ बी सी की जगह 9 तो डी हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कन्वर्स का मतलब उल्टा इसका उल्टा भी सत्य है फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ ट्राइंगल ए बी सी एंड डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड डी ई पैरेलल टू बी सी एंड डी ई इज पैरेलल टू बी सी देन अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम E will be the midpoint of AC. E is midpoint of AC. यह है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम अगर दो चीज़ें हमको गिवन हो एक तो D मिड पॉइंट हो AB का और DE BC के पैरेलल हो तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि E भी AC का मिड पॉइंट होगा E भी AC का मिड पॉइंट होगा यानी कि ए डी और डी बी इक्वल है और डी बी सी के पैरेलल है तो ए और ई सी भी इक्वल हो गए तो इस थ्योरम का हमको प्रूफ नहीं करना हमारे सिलेबस में नहीं है और मिड पॉइंट थ्योरम का भी प्रूफ हमको लर्न नहीं करना केवल रिजल्ट याद रखना है इसका प्रूफ याद नहीं करना कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ए सी कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ए सी
Now we will take triangle ABC. In triangle ABC, because P and Q are midpoint of AB and BC, therefore, according to midpoint theorem, किसी भी ट्राइंगल में दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होती है और लेंथ में उसकी हाफ होती है, तो PQ AC के पैरेलल होगा एंड PQ विल बी हाफ ऑफ AC। सिमिलरली इन ट्राइंगल ACD, because S and R are midpoint of AD and CD respectively, therefore according to midpoint theorem, ये ट्राइंगल है ACD, R और S मिड पॉइंट है, इनको मिला दिया, तो ये लाइन थर्ड साइड AC के पैरेलल होगी, RS पैरेलल टू AC एंड लेंथ में हाफ होगी AC की, RS इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। इक्वेशन ये वन है और ये इक्वेशन नंबर टू है, ये इक्वेशन नंबर थ्री, इक्वेशन नंबर फोर। वन और थ्री की कंपैरिजन करेंगे, फ्रॉम वन एंड थ्री PQ भी AC के पैरेलल है, RS भी AC के पैरेलल है, इट मींस PQ एंड RS विल बी पैरेलल, PQ पैरेलल RS। कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 4, फ्रॉम 2 एंड 4, PQ भी AC का हाफ है, RS भी AC का हाफ है, तो देयरफॉर PQ इज इक्वल टू RS, तो हमने PQ इज इक्वल टू RS प्रूव कर दिया है, हैंस प्रूव। और SR पैरेलल AC ये भी हम प्रूव कर चुके हैं, SR इज इक्वल टू हाफ AC ये भी प्रूव हो चुका है। नाउ वी विल प्रूव दैट PQ RS इज ए पैरेललोग्राम। ये इक्वेशन है 5 और ये इक्वेशन है 6। फ्रॉम 5 एंड 6 इन दोनों की कंपैरिजन करेंगे, PQ RS के इक्वल भी है और PQ RS के पैरेलल भी है, सेम पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल and parallel, therefore quadrilateral PQ RS is a parallelogram, because in quadrilateral PQ RS same pair of opposite sides are equal and parallel, therefore PQ RS is a parallelogram, hence proved. PQ RS is a parallelogram, hence proved. Thank you.